अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सदीका नौरीन फ्रॉम fxforever.com। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने लास्ट टाइम पिछले मंडे या ट्यूसडे को अपना जो गोल्ड का एनालिसिस शेयर किया था, उसमें गोल्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया और बहुत सारे लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ। काफ़ी लोगों ने अच्छा फीडबैक्स भी दिए, लोगों ने फीडबैक्स बहुत अच्छे दिए और यही हमारी जो है कामयाबी होती है, खुशी होती है इसको देख के। तो आज भी देखते हैं गोल्ड बाय में हमें अपना गोल्ड हमें बाय में एंट्री देता है या सेल में। पिछले काफ़ी दिनों से देखें गोल्ड अपने इसी एरिए को ब्रेक नहीं कर पा रहा और इसी एरिए में मूव कर रहा है। और गोल्ड ने देखें यहाँ पे एक छोटा सा पहले हाई बनाया पीछे वाले लेवल को अगर देखें तो, उसके बाद थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन की, फिर न्यू हाई बनाया, फिर थोड़ा सा डाउन आके फिर न्यू हाई बनाया और ये एकदम से बिग स्पाइक दिया। उसके बाद सेम डे में ही गोल्ड जो है 1873 से 1888 वाली रेंज में आ गया और फिर अपने इसी एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया और अभी भी गोल्ड इसके ऊपर ही मूव कर रहा है। इसमें हम अब एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं और ट्रेंड लाइन में देखते हैं गोल्ड को, अगर हम इस तरह इस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो गोल्ड अभी इस रेंज में चल रहा है और गोल्ड को हम बाय में ही देखेंगे। आप ये देखें कल इतना बड़ा गैप देने के बावजूद गोल्ड ने एक गैप फिल नहीं किया, यहाँ पे कम से कम 30 पिप का गैप अभी बाकी है। उसके बाद शाम में मार्केट यहाँ तक डाउन आई आने के बाद, लेकिन फिर 1893 वाला जो लेवल है वो उसे ब्रेक नहीं हुआ, वहीं से बैक ऊपर चला गया और अभी भी गोल्ड जो है वो अपने सॉरी ये जो कल इसने यहाँ पे हाई लगाया था ना 1917 पे, वहाँ से ये बैक डाउन आया और पहले पिछले भी पीछे भी देखें कि ये हाई यहीं से लगा, ये डाउन आया, फिर एक इसने फेक जो है मूव दी गैप वाली, वहाँ से कैंडल इसकी ओपन हुई लेकिन यहाँ पे विक बना के और फिर जो है वो अपने इसी रेजिस्टेंस से वापस नीचे डाउन में आया है, यानी कि 1918 वाली। गोल्ड को गोल्ड जो है गोल्ड को बाय जाने के लिए 1917 और 1921 का लेवल ब्रेक करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर अपने इस लेवल को ब्रेक करता है इसको और ऊपर भी छोटा सा ही है लेवल, उसको ब्रेक करता है तो 1935 को हिट करेगा। हिट करने के बाद अगर अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस वाले एरिया को ब्रेक करता है, ब्रेक करेगा तो अगेन ऊपर जाएगा, नहीं तो यहीं से बैक ये डाउन आएगा। डाउन आके ये अगेन अपने 1917 को भी हिट कर सकता है और 1921 से भी बाय जा सकता है। बाय जाने के लिए फिर इसको अपना अगेन इसी हाई पे ये जाएगा और अगर गोल्ड की डेली की क्लोजिंग जो है वो 1945 से ऊपर डे की क्लोजिंग देता है तो फिर हम गोल्ड को मोर अप देखेंगे। जाएगा तो स्लो स्लो ही लेकिन बाय में जाएगा। और अगर इसको ब्रेक नहीं करता और डे वन की जो कैंडल है वो 1945 से डाउन में क्लोज होती है तो हम गोल्ड को अगेन अपने इसी लो पे देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ अब आपको मैं बताती हूँ। मैं इसको भी हटा, इसको रहने देते हैं और एक मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ इस एरिया पे और एक मैं लगाती हूँ यहाँ पे। हो सकता है गोल्ड इसी एरिया में घूमता रहे और घूमता घूमता गोल्ड नीचे डाउन आ जाए, ये चीज हो सकती है। और अगर इसी एरिया को घूमता घूमता ये इसको ब्रेक करता है और ऊपर चला जाता है फिर गोल्ड बाय में चला जाएगा। यहाँ पे मैं कोई सिग्नल नहीं दे रही और इसकी कंफर्मेशन का वेट करें। और अगर हम इसके डेली चार्ट पे जाते हैं डेली चार्ट पे देखें, ये अभी भी बाय की मूव दिखा रहा है और आज मंथ का स्टार्ट भी है, मंथ की कैंडल भी स्टार्ट हुई है तो
उसमें भी ये हो सकता है ऊपर थोड़ी बहुत मूव ले और ये बैक डाउन में ही आ जाए या ये बाय में चला जाए। आपको दोनों सिनेरियो मैंने बता दी हैं। अब हमने इसकी कंफर्मेशन का वेट करना है, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। वेट करने के बाद हम इसमें एंट्री लेंगे। सिग्नल के लिए ज्वाइन करें आप हमारा फेसबुक का ग्रुप और व्हाट्सएप का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली अपडेट मिलती हैं। अगर किसी को सिग्नल फॉलो करने हैं तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।